नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको राजस्थान के पाली की ओर। भाजपा महाराणा प्रताप मंडल कार्य समिति की बैठक बुधवार को नयनतारा गार्डन में अध्यक्ष नरपत दवे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी सुरेश चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि विस्तारक मदन सिंह राजपुरोहित थे। भाजपा सांसद पीपी चौधरी, मूल सिंह भाटी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, इन्होंने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला प्रवक्ता रामलाल चौहान ने बताया कि सांसद पीपी चौधरी ने अपने उद्बोधन में देश के नाम वोट करने और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। इस बैठक में जिला प्रवक्ता त्रिलोक चौधरी, नारायण कुमावत, मनोहर राठौर, रेखा कंवर, सिद्ध कंवर, प्रेम सिंह महेचा, ओम प्रकाश स्वामी, नीलू कटारिया, मुकेश गोस्वामी, कांतिलाल सामरिया, मांगीलाल जोशी सहित मंडल के पदाधिकारी व शक्ति केंद्र संयोजक पार्षद आदि मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। की वकालत पूरी चलती है, तो जब इतना योग्य व्यक्तित्व हमारे बीच में है, कई बार हम हमारे बीच में होते और हम पहचानने में थोड़ी सी कमी कर लेते हैं। हमारा अपना व्यक्ति लगता है कि शायद ये व्यक्ति कोई इतना बड़ा हमको नजर नहीं आता, क्यों वो अपना होता है। लेकिन जब हम मोदी जी की बातों को सुनेंगे, मोदी जी के काम और मोदी जी का आशीर्वाद जब इन पे देखते हैं, तो पहचानने वाले की आंख मोदी जी जैसी होती है। वो पीपी चौधरी को पहचान करके फिर से तीसरी बार टिकट देता है। इसका मतलब देश को मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी को भी पीपी चौधरी साहब की जरूरत है। हम सब उसमें भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम हर ग्राम पंचायत पे 20-25 मिनट, सिर्फ कोई लंबा चौड़ा स्वागत नहीं, और 20-20 पंचायतें दिन में, जुमा 150-100 लोग या 200, बस ये संख्या, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करने के बजाय, तो इसीलिए एक अब चुनाव का मॉडल थोड़ा बदला। तो आज के इस मंडल के, प्रताप मंडल के हमारे कार्यक्रम में, हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे महेंद्र जी बोरा साहब, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व हमारे चेयरमैन, हमारे मूल सिंह जी, हमारे सुनील जी भंडारी, पुखराज जी, शिव जी, यशवंत जी, कानाराम जी और विट्ठल जी और त्रिलोक जी और हमारे कुमाऊ साहब मनोहर कंवर जी और हमारे विस्तारक जी सुरेश जी और हमारे रेखा जी, हमारे सिंधु जी और कुमार जी, सभी सम्मानित हमारे एक एक हमारे इस मंडल के मोती। मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर शुरू में कह दिया था हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कि एक एक हमारे हर बूथ के देखने वाले ऐसे हैं जो कि एकदम मोती की तरह विराजे हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, और सिर्फ जैसे महेंद्र जी की बात में आपने एक बात ध्यान दिया होगा, बहुत महत्वपूर्ण थी, वो थी कि हर बूथ पे हमारे भाजपा के 370 वोट कैसे बढ़े। सिर्फ बाजी इसी में है। जब पुख जी ने बात की कि 7 लाख, तो मैंने देखा 7 लाख का आंकड़ा ये कहाँ से लेकर है। तब मैंने मेरा मोबाइल में देख कर करके नंबर ऑफ वोटर्स सारा समझने की कोशिश की मैंने। मैं आपको बता दूं, पाली की गणित जो है, पाली की गणित में हमने 10 सालों में, मेरा असेसमेंट है, सबसे पहले पाली के कांग्रेस के वोट पड़ते हैं, वो पड़ते हैं 4 लाख। कितने? 4 लाख वोट। और अब की बार उनके 4.5 तक जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 4 लाख। आप मेरी बात आप नोट कर लेना, 4,50,000 से एक वोट भी कांग्रेस का ज़्यादा नहीं होगा। इतना दिन पहले बता रहा हूँ मैं, चाहे वो उल्टे लटक जाए। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो हमने बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिकली कैलकुलेशन किया, पहले इलेक्शन में हमने कहा, चुनाव होते ही, चुनाव के पहले जब मैडम ने पूछा, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कितने वोटर से जीतोगे, हमने कहा 4 लाख। उन्होंने कहा राजनीति में नया आए हो अभी अभी, तो आपको पता नहीं है कि कोई राजस्थान में 25 सांसदों में कोई बता के नहीं गया, 1.5-2 लाख तक मैक्सिमम बताया। तो उन्होंने कहा 4 लाख खूब ऐसे, भूपेंद्र जी यादव और परनामी जी और मैडम बैठे थे, तो उन्होंने कहा चलो जाओ जाओ अब आने दो रिजल्ट। उन्होंने सोचा 50,000 से 4 लाख से जीते, उनका फ़ोन आया कि कैसे कैलकुलेशन की, मुझे एक बार आके बताना।
मैंने कहा जरूर बताऊंगा। दूसरी बार काउंटिंग करने के पहले हमने कहा कि 5 लाख से जीतेंगे, आप उसमें काउंटिंग में काफ़ी लोग थे, बराबर 5 लाख से जीता। अभी जो पुखराज जी ने जो बताया है, अभी हमारे वोट बढ़े कितने, 1 लाख 2 लाख पूरे बढ़ गए कि 1 लाख 2 लाख लगभग 2 लाख, 2 लाख में से वोट जो हैं वो अपने करीब करीब ये सारे युवाओं के हैं और पहली बार वोट दे रहे हैं, और पहली बार देते तो करीब मुझे लगता है 70-80% वो दे देते, 80% के आसपास, तो 1,60,000 वोट पड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि 20,000 वोट भी कांग्रेस को इसमें से नहीं मिलेंगे, इसमें से नहीं मिलेंगे। 15,000 वोट मान लो आप मुश्किल, तो 1,45,000 वोट 5 में प्लस कर दो, 6,45, फिर बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, ये वोट कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो और मुझे लंबा चौड़ा कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये वोट जो है, आप ये वोट देख कर करके के, और उसके बाद में आपके वोट कहाँ जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बूथ पे 370 ऐड करो, जो ही 62% से 70% में आप जाएंगे, 100% वोट जो है वो बीजेपी का, बीजेपी का वोट घर से निकल के लाने में आने में काफ़ी मुश्किल होता है, 62 तक पहुंचते हम तब देखते हैं भाई कि हमारे ठीक है, और आप परसेंटेज डाउन होती है तो हमारा मार्जिन कम होता है। जो ही 62 से 70 तक जाएगा, अब की बार आपके साथ में आम जनता भी जुड़ी हुई है, वो भी उसमें उत्साह है, जोश है, लेकिन उसको हमें सहयोग करना है कि हम बूथ तक कैसे लेके आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ हम कोई भाषणबाजी नहीं करें, पूरी प्लानिंग प्रताप मंडल अगर ये सोच के कर लें, आप कहें तो हम पहले आपको वोटर लिस्ट भी प्रोवाइड, मैं ये भी प्रोग्राम सोच रहा हूँ महेंद्र जी, कि हम सारे के सारे 8 विधानसभा में जो भी वोटर लिस्ट है, बाद में मिलेगी जो मिलेगी, करीब 15-20 दिन पहले वोटर लिस्ट दे दें, सब एक महीना पहले वोटर लिस्ट दे दें, उस दिन एक दिन भोजन का कार्यक्रम रख दें, और सारा 1,000 कार्यकर्ताओं का जो एक बूथ से 2-2, 3-3, 4-4 जने आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें नहीं, दो तरह के, अभी आज मैं सोच रहा था दो तरह से हो सकता है, एक तो विधानसभा स्तर पे और एक मंडल स्तर पे। मंडल स्तर पे मुझे लगता सुविधाजनक रहेगा, तो मंडल स्तर पे अगर हम रख दें कार्यक्रम सारों का, तो उसमें मुझे लगता कि मंडल स्तर पे फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, बस फिर यही है, आप लोग कोई जरूरी नहीं मेरा जाना, ये बात सही है आपकी। मंडल स्तर पे 100% कार्यकर्ता जो हैं, है सारा पूरा पूरा लोकसभा में आइडिया, मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रहा था, पहले मेरे दिमाग में ये आया कि एग्जैक्टली, तो उसमें मंडल स्तर पे होगा तो एक तो संख्या पूरी हो जाएगी, किसी को बहुत ज्यादा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने लेवल पे आ जाएगा, नहीं तो क्या कि विधानसभा स्तर पे 30-30, 40-40 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता वो जमीन पे तो काम करता है लेकिन ज़्यादा मीटिंग में वो विश्वास नहीं करता, वहाँ पर तो पिलर की तरह खड़ा रहता है। तो अगर आपने 370 जो पार्टी ने, मोदी जी ने टारगेट हमें दे रखा है राष्ट्रीय परिषद में, तो 370 अगर ऐड होते हैं, मैं तो कहता हूँ मिनिमम 100 ऐड, तो 100 ऐड होते हैं तो आपके ये वोटिंग के हिसाब से तो आपके 6 लाख के बाहर तो आप निकल जाते हैं, और 15,000 उसमें से मार्जिन निकालो तो भी 6,20,000 के आसपास आपकी विन तो इसी हिसाब से हो जाती है, जो 2019 की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। मतलब अगर ये हम माने कि 2019 की पोजीशन है तो हम 6 लाख से बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम हिंदुस्तान में प्रथम रहे, हिंदुस्तान में प्रथम रहे, पाली हमारा, हमारा मंडल प्रथम रहे, तो उसके लिए हम 100 वोट से लगा के 370 वोट तक